आज है कलर थ्योरी। इसको ध्यान से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो पिछली बार हमने क्या किया था, याद है सबको? इमेज फॉर्मेट्स थे, कैमरा लेंस, आर्टिफैक्ट्स, उसमें जो डिफरेंट इम्परफेक्शंस होते हैं उनको कैसे मिमिक मतलब हम लोग करते हैं, तो उनको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली वो इम्परफेक्शंस होते क्या, जैसे कि मोशन ब्लर एंड रोलिंग शटर, तुम्हारा लेंस फ्लैश एंड ऑल। तो आज थोड़ा सा हम न्यूक में अंदर थोड़ा चलते हैं, कलर थ्योरी देखते हैं कि इसमें कलर वगैरह कैसे यूज होता है, एज इन कैसे व्यू होता है। ठीक है, तो अभी तो हमको ये पता है कि ये नोड ग्राफ है हमारा, ये प्रॉपर्टी पैनल है एंड दिस इज द व्यूअर। ठीक है, तो अभी हम इसको वन कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हम एक ही एक पैनल एट अ टाइम देखें। तो इधर हमारा है नोड पैनल, ये हमारा है नोड ग्राफ, ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल और ये व्यूअर। तो इसमें अगर हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो ये जो हमारा आइकन है इसके अंदर हमारे सारे कलर नोड्स हैं, सब कुछ, मतलब जो भी हमको कलर में चीजें करनी है, जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, जो भी कैलकुलेशंस करनी है, कुछ भी करना है, व्यू करना है, तो उसके लिए हमारा ये है। इसमें हमारे सारे नोड यूज होते हैं, ग्रेड, एक्सपोजर, हमारा मैच ग्रेड मूव है, मैच करने के लिए कलर ये ऑटोमेटिकली मैच करता है अगर इसको हम दे दें, सैचुरेशन है एंड कलर करेक्शन है, कलर लुकअप है, कलर स्पेस है, ये यहाँ से हम लोग सारे नोट्स ला सकते हैं। और एक और एक तरीका है, दूसरा तरीका है कैसे नोट्स ला सकते हैं हम लोग, टैब प्रेस हाँ करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक और मेन्यू खुल जाता है जो नोट ग्राफ में रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि नोट पैनल में कहाँ पे हमारे जो कलर नोट्स हैं वो हैं, और यहाँ पे हम दूसरी तरह से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर पे जब हम जाते हैं, व्यूअर पे हमें ये जो भी व्यू होता है वो एक तो लीनियर कलर स्पेस रहता है, इसका कलर स्पेस मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। बट अभी क्या है, हमें सबको ये पता है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हर एक जो इमेज होती है उसमें जितने भी पिक्सल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये है HD 1080 जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080, तो इसका मतलब हुआ कि 1920x1080 के पिक्सल्स हैं इसमें जो इसका रेजोल्यूशन जिनने बनाया है। ठीक है, हर एक पिक्सल की एक RGB वैल्यू होगी। हमको ये पता है कि एक एक पिक्सल जो भी बनता है कलर्ड इमेज का वो बनता है तीन वैल्यू से, तीन चैनल्स की, एक R, G एंड B, रेड ग्रीन एंड ब्लू। हाँ तो ये हमको पता है कि ऐसे होता है यहाँ पे। तो ये अभी हम देख रहे हैं हमारे RGB व्यू में, जो कि हम कहाँ से देखेंगे, हमारा ये ऊपर एक ऑप्शन होता है RGB जहाँ लिखा हुआ है ये, इसको हम जैसे क्लिक करते हैं इसमें ड्रॉप डाउन होता है, तो इसमें अलग अलग चैनल्स भी आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा ल्यूमिनेंस एंड मैट। तो रेड ग्रीन ब्लू तो हमारा रेड ग्रीन ब्लू चैनल हो गया, अल्फा हमारा अल्फा चैनल हो गया, अगर इसमें प्रेजेंट है तो दिखेगा, नहीं प्रेजेंट है तो पिच ब्लैक रहेगा। ठीक, एंड लूमिनेंस मतलब हमारा जो भी हमको लिट अप वर्जन दिख रहा है वही हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा, वो हमारा ल्यूमिनेंस होता है। ठीक, एंड मैट ओवरले मतलब इसमें एक रेड मैट आ जाती है, अगर हम मैट का शॉर्टकट है एम, तो उसमें रेड मैट आ जाती है, अगर हम एम प्रेस करें तो इसमें रेड मैट आएगा, डिपेंडिंग हमारे पास अल्फा चैनल है कि नहीं, अगर अल्फा चैनल नहीं होगा तब अगर हम एम प्रेस करते हैं तो इसमें मैट नहीं आएगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम केवल इसकी RGB वैल्यूज एंड कलर का देखते हैं इसमें है क्या, लाइक व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। हम लोग मैथमेटिक्स नहीं करेंगे बट हम लोग एक रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक, तो अभी देखो ये एक हमारा जो प्ले पॉज और ये पैनल है, इसके जस्ट ऊपर एक और पैनल है जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारा क्या है रेजोल्यूशन दे रखा है, एंड ये दे रखा है कि भाई हमारा चैनल क्या है, RGB चैनल है, एंड प्लस रेजोल्यूशन क्या है वगैरह वगैरह, ये सब दे रखा है। ठीक, बीच में हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारा पिक्सल जिस भी कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ये देखो अगर हम 0 0 पे जाते हैं तो यहाँ पे 0 0 है, जो कि बहुत मुश्किल से आता है बट जो भी है। तो हम किस पिक्सल पे बेसिकली आ रहे हैं, तो ये हमारा पिक्सल। ठीक, ये हमारा 0 0 है, उसके ऊपर चलते चले जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे
हर एक एक पिक्सल की वैल्यू हमें बता रहा है कि हम कौन से कोऑर्डिनेट पे हैं बेसिकली। उसके बाद हम अगर बिल्कुल राइट साइड पे जाते हैं पैनल के, तो हमें हम जहां पर भी हवर करेंगे यहाँ पे आरजीबी चैनल में, वहां की हमें रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा वैल्यू दिखेगी। तो अगर हम यहाँ पे व्यू करते हैं तो देखो रेड की वैल्यू क्या है, 0.990, 0.80, ब्लू 0.74 और अल्फा हमारा 0 है। 0 मतलब नको, देयर इज नो अल्फा एट ऑल। ठीक, तो ये हमें दिखाता है कि हमारे पर पिक्सल पे जहां पे हम हवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, आरजीबी में रेजोल्यूशन क्या है एंड कौन से चैनल पे हम। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन हो गया हमारे व्यूअर पे, और हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यू कहाँ देख रहे हैं, तो इस वजह से हमको ये ऑप्शन मिलता है। तो एक तो ये हम कलर का जो वैल्यूज हैं वो देख रहे हैं। अभी इसमें एक और ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं हम स्कोप्स। तो अगर हम प्रॉपर्टीज पैनल पे जाएं तो स्कोप्स हमारे होते हैं आरजीबी वैल्यू को विजुलाइज करके देखने के लिए। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज पैनल पे जाएं एंड इसको राइट क्लिक मतलब ऊपर पैनल पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड विंडोज पे जाएंगे, विंडोज पे जाने के बाद एक और पॉपअप होगा मेन्यू, जिसमें देखेंगे न्यू स्कोप। तो न्यू स्कोप में हम लोग क्या करते हैं, तीन तरह के स्कोप्स होते हैं, हम पहले देखते हैं वेव फॉर्म। जैसे वेव फॉर्म में हम जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, तो वेव फॉर्म में हम जैसे ही जाते हैं वेव फॉर्म में हम इसको प्रॉपर्टीज पैनल पे डालते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या है, हमारा वेव फॉर्म पूरा कवर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि हम और भी स्कोप्स देखेंगे। स्प्लिट हम कैसे करेंगे इसको, वर्टिकल, तो ये हो गया दूसरे पैनल के लिए। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको वेव फॉर्म को देखेंगे। तो अभी देखो वेव फॉर्म हम जो देख रहे हैं वो हमारा आरजीबी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे देखेंगे इसको कलर को। ठीक, तो ये क्या है, आरजीबी अल्फा जो भी है हमारा स्टैकअप है एक दूसरे के ऊपर, तो हमको क्या है एक रेनबो टाइप का या कलर टाइप का वो दिख रहा है, स्टैकअप विजुअलाइजेशन दिख रहा है। इसको सेपरेट करने का भी तरीका है, जिसमें जो कि यहाँ से होगा हमारे यहाँ पे सेपरेशन, जो हमारा परेड है आरजीबी परेड है वेव का, आरजीबी परेड, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा आरजीबी अलग अलग वेव फॉर्म में। तो जैसे हमने क्लिक किया, देखो आरजीबी ए, ए कुछ नहीं है तो इसका कोई फॉर्म नहीं दिखा रहा है। ऑलराइट, ये रेड ग्रीन एंड ब्लू, अगर हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर ये एक मिक्सचर दिखाता है इसका। ये समझ में आया? तो हम इसको इसी में देखते हैं, क्या बोलते हैं, सेपरेशन मोड में ही। तो सेपरेशन मोड में हमको आरजीबी की वैल्यू दिख रही है, हमारे रेड इतना प्रेजेंट है, ग्रीन इतना प्रेजेंट है एंड ब्लू इतना प्रेजेंट है। तो अगर हम फुटेज पे देखें तो ओवरऑल हमारा ज्यादा थोड़ा सा ब्लू टोन ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कंपेरेटिवली। तो अभी देखो हमारे ब्लू का जो वेव है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कलर का प्रेजेंटेशन विजुअली कि हम देख सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, पहले और स्कोप्स ले आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग स्कोप्स कैसे कैसे दिखाते हैं। और एक और बात है, ये जो वेव है हमारा ये 0 है, यहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ है 0 से नीचे जाता है नेगेटिव, एंड 0 से ऊपर उस साइड पॉजिटिव नंबर जा रहा है। तो 0 पे जो वैल्यूज हैं उसका मतलब क्या है, कंप्लीट ब्लैक। ऊपर और जाता चला जाएगा तो मतलब वाइट। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट ऐसे रिप्रेजेंट होता है वेव फॉर्म में। अब क्या करते हैं, हम और स्कोप ले आते हैं, इसको हम और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, विंडोज पे जाएंगे, पहले इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके विंडोज पे जाएंगे, एक और पॉपअप होगा उसमें न्यू स्कोप एंड हिस्टोग्राम। ये हमारा आ गया हिस्टोग्राम, ये हम रख देते हैं इधर। सेम इसमें भी है, ये हिस्टोग्राम व्यू है, इसमें भी जो थोड़ा वेवी फॉर्म में है बट इससे लेफ्ट टू राइट है। जैसे वेव फॉर्म में हमारा क्या था, नीचे से ऊपर 0 to 100 है, ठीक, इसमें क्या है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में हमारे ब्लैक ब्लैक साइड ज्यादा है, वाइट हमारा राइट पर ज्यादा है। ठीक है, और इसमें भी स्टैकअप है आरजीबी एंड ए वैल्यू, अगर हम इसको सेपरेट करना है तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अब क्या करते हैं, हिस्टोग्राम है, अभी हम क्या एक नोड लेके आते हैं, ग्रेड नोड, ठीक है। तो ग्रेड नोड को हम या तो टैप प्रेस करके हम यहाँ पे ग्रेड नोड लिख सकते हैं, यहाँ पे जा करके हम ग्रेड नोड को ला सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है सीधे जी, तो हमारा ग्रेड नोड ऐसे आ जाता है। अब न्यूक में हम कोई भी चीज को व्यू करते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करके वन दबाते हैं, और यहाँ ये नोड बेस्ड है तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें गेन जो वो है हमारा नोड है, इसको अगर हमको यूज करना है तो हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे, और अगर हमको जो भी चेंजेस हम इसमें करेंगे वो हमको तभी व्यू होगा जब हम इसको सेलेक्ट करके वन प्रेस करेंगे। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नहीं डायरेक्टली व्यू कर रहे हैं, हम इसके साथ इसको व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ग्रेड नोड बीच में आ रहा है हमारे ओरिजिनल फुटेज और इसके व्यूअर के, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको ग्रेड में जो चेंजेस करेंगे हम इसके थ्रू वो हमको व्यू करना है। अगर हम डायरेक्टली इसको व्यू करते हैं तो हम जो भी चेंजेस इसमें करेंगे ना हमें दिखेंगे ना हम देख पाएंगे, ठीक है। हमने इसको व्यू वापस किया, इस पे डबल क्लिक किया, जैसे ही डबल क्लिक किया हमारी प्रॉपर्टीज खुली है यहाँ पे ग्रेड नोड की, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक। तो अभी सबसे पहले तो हमको क्या दिख रहा है, चैनल्स। तो इसमें हम क्या है, ये डिफाइन करता है कि हम किस चीज पे इफेक्ट करने वाले हैं। तो इस केस में जो चैनल है वो है आरजीबी, तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो किस पे अफेक्ट करेगा, आरजीबी चैनल पे, ठीक है। और इसमें हम चेंज कर सकते हैं, हम अल्फा चैनल पे भी कर सकते हैं। अब जो भी चेंजेस अल्फा चैनल पे करके हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो हमें इफेक्ट करेंगे, केवल अल्फा चैनल पे, आरजीबी पे वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर डिफॉल्ट में हम देखें तो आर जी एंड बी सब पे टिक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर इसको कहना है कि केवल रेड चैनल पे इफेक्ट करो तो हम इसको हटा देते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, अब रेड पे ही है ये, तो रेड पे अगर हम व्यू इसको चेंजेस करने को कहते हैं, तो अगर कुछ भी हम अगर करते हैं ब्लैक पॉइंट या वाइट पॉइंट जो भी, तो अब देखो ब्लैक पॉइंट हम वैल्यू इधर कर रहे हैं तो वो चेंजेस किसमें कर रहा है, केवल रेड चैनल पे, तो इसीलिए केवल हमें रेड वैल्यूज दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका वेव फॉर्मेट देखें तो हमको दिखेगा, यहाँ पे स्कोप पे जाते हैं, वेव फॉर्म, एंड वेव फॉर्म को हम इधर थोड़ा ले आते हैं, ठीक है। ये वेव फॉर्म है हमारा, इसको हटाओ, इसको सेपरेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इसको क्या कहा, इसको कहा कि हमको केवल रेड चैनल पे अफेक्ट करना है कोई भी चीज, तो हम गेन करते हैं, अगर हम गेन प्रेस करते हैं तो देखो क्या कर रहा है, ये केवल रेड चैनल की वैल्यू पे इफेक्ट कर रहा है और हमारा ग्रीन और ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये हमारा फुटेज है, ये हमारा रीड नोड है, रीड नोड मतलब जिसमें फुटेज आती है, बेसिकली फुटेज या इमेज। तो इसको अगर हमें व्यू करना है हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड वन प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये शॉर्टकट है वन, ठीक। मैंने बताया था ना 1 2 3 मल्टीपल चीजों को व्यू कर सकते हैं, तो या तो हम वन प्रेस करेंगे या हम इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्ट भी कर सकते हैं, पर इसको सेलेक्ट करके वन प्रेस करना इज मोर कन्वीनियंट देन बार बार इस हैंडल को इधर कनेक्ट करना, राइट। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको ग्रेड लाना है तो ग्रेड बेसिकली यूज होता है हमारे किसी भी इमेज या सीक्वेंस को ग्रेड करने के लिए, उसका टोनिंग चेंज करने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज चेंज करने के लिए, ठीक। तो ये अगर हम ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको या तो हैंडल से इधर कनेक्ट कर सकते हैं इसको, एंड फिर उसके बाद ये वाला जो हैंडल है वो हम इधर कनेक्ट करेंगे, इस पे नहीं, क्योंकि हमको इसके थ्रू इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हम इसको व्यू करते हैं और इसमें चेंजेस करते हैं कोई भी वैल्यू का, तो इधर हमको कुछ नहीं दिखने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो व्यूअर है वो इस पे कनेक्टेड है, राइट, और हमने ग्रेड नोड लिया हुआ है जो हमने कनेक्ट किया है, पर हम इस पे चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मान लो हम गेन चेंज करते हैं, बट अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम चेंज को व्यू ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको व्यू कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे इस पे ऐसे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, केवल इसको सेलेक्ट करेंगे एंड
वन प्रेस करेंगे तो हमें गेन चेंज दिखा, गेन क्योंकि हमने बढ़ाया था तब हमें ये गेन चेंज दिखा। और हमको कई बार क्या करना होता है, हमको चेंजेस भी देखने होते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डी प्रेस करेंगे। डी मतलब डिसेबल, डिसेबल और अनेबल का सेम बटन है, तो जो भी हम नोड पे सिलेक्ट करके हम डी दबाते हैं तो क्या होता है, डिसेबल और अनेबल होता है वो पर्टिकुलर नोड। तो हम फिर से डी प्रेस करेंगे तो वैल्यूज वही हो गई जो ग्रेड में चेंजेस ऐड करने से पहले थी। तो अभी हमने क्या किया, इसमें गेन चेंज किया एंड इसको कनेक्ट किया, तो हम यहाँ पे गेन की प्रॉपर्टीज हम इसमें तब व्यू कर पाएंगे जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और इसको सेपरेट करने का मतलब, अगर हम ये कनेक्शन है ये पूरा वन से इधर तक, अगर हमें गेन हटाना है, मान लो हमें गेन नहीं चाहिए, हमें गेन को एक साइड पर रखना अलग से विदाउट एनी कनेक्शन, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। तो क्या करता है, कोई भी नोड है जिसको सेलेक्ट करके तुमने ये शॉर्टकट प्रेस किया है, वो उसको सेपरेट करके अलग साइड में रख देता है। हमने इसको क्या किया, और इसको कनेक्ट करने का एक और तरीका है, हम सीधे जो है जो पाइप है उसके बीच में डाल देंगे, तो ये अपने आप उसके बीच में कनेक्ट हो जाएगा दोनों के एंड टू एंड से। तो अभी क्या है, अभी हम इसकी वैल्यू वापस जीरो पे ले आते हैं, जो भी जो इसमें था इसका डिफॉल्ट वैल्यू, एंड इसका वेव फॉर्म वापस वैसे ही आ गया जैसा हमको दिख रहा था। अब हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके अलग अलग जो ऑप्शंस हैं। ठीक, तो पहले हमारा हो गया ब्लैक पॉइंट। तो ब्लैक पॉइंट क्या है, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ब्लैक पॉइंट और व्हाइट पॉइंट दोनों में ही, ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है हमारे ब्लैक और व्हाइट पॉइंट को। ठीक, तो अगर हम ब्लैक पॉइंट में इधर तुम चेंजेस देखना, जो हमारा वेव फॉर्म है और हिस्टोग्राम, अभी हम वेव फॉर्म ही देखते हैं क्योंकि सब में रिप्रेजेंटेशन सेम ही होगा, तरीके अलग हैं बट रिप्रेजेंटेशन सेम है। ठीक, तो अगर हम इसको ब्लैक पॉइंट बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था, वेव फॉर्म में 0 to 100, 0 मतलब ब्लैक एंड उसके ऊपर जो भी जाता है वो व्हाइट पॉइंट हुआ 100 बेसिकली। ठीक है, तो क्यों 100 तक ही है ये पूरा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, ब्लैक पॉइंट अगर हम कर रहे हैं तो ये पूरी चीज और आरजीबी भी हमारा क्या हो रहा है, पूरा ब्लैक होता जा रहा है। तो हमारा क्या बेसिकली हो रहा है, ब्लैक पॉइंट बढ़ा रहे हैं, और ब्लैक पॉइंट का बढ़ाने का मतलब है कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ ब्लैक हो रहा है। और वापस हम इसको कंट्रोल प्रेस करके अगर स्लाइडर पे क्लिक करते हैं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पे आ जाता है। तो ये हो रहा था बेसिकली हमारा ब्लैक पॉइंट से। तो आरजीबी वैल्यू देखो क्या हो रहा है, आरजीबी वैल्यू हमारी पूरी ब्लैक की तरफ खींच रही है जो कि जीरो पे है, और अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी वैल्यू व्हाइट की तरफ खींच रही है। तो अभी हम व्हाइट पॉइंट पर जाते हैं, व्हाइट पॉइंट पर क्या है, सेम चीज हम व्हाइट चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो ये अभी वैल्यू क्या हो रही है, हमारी व्हाइट की तरफ खींच रही है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये केवल ब्लैक पॉइंट पर फर्क डालेगा, ये केवल व्हाइट पॉइंट पर फर्क डालेगा। बट होता क्या है कि जब भी हम ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंट को डिफरेंटली अगर करते हैं तो ओवरऑल फुटेज पे इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। और इसका मतलब ये भी है ब्लैक पॉइंट और व्हाइट पॉइंट का, कि ब्लैक पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हमारा जो भी ब्लैक है, मतलब ब्लैकेस्ट ब्लैक हमारा जो एक फुटेज और या सीक्वेंस जो हमने लिया है उसमें है, वो इसको डिफाइन करता है ब्लैक पॉइंट। और व्हाइट पॉइंट वही वाइस वर्सा करता है, एक व्हाइट पॉइंट को डिफाइन करता है पूरी उसमें। तो व्हाइटेस्ट पॉइंट जो होगा इसमें, जैसे कि ये पार्ट है हमारा सबसे व्हाइटेस्ट पॉइंट है, तो वो है हमारा इस वैल्यू का, उसको हम बढ़ाते हैं तो वो वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ब्लैक पॉइंट डिफाइंस द ब्लैकेस्ट ऑफ एन इमेज और सीक्वेंस दैट वी टेक, और व्हाइट पॉइंट का डिफाइन करता है हमारी व्हाइटेस्ट जो पॉइंट है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिफ्ट एंड गेन, जो कि बहुत कनेक्टेड है हमारे ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंट से। ब्लैक पॉइंट से कनेक्टेड है लिफ्ट एंड व्हाइट पॉइंट से कनेक्टेड है गेन। तो इसमें होता क्या है, लिफ्ट बेसिकली क्या करता है, हमारा जो ब्लैक पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, तो अभी इस केस में हमारा जो वैल्यू है वो जीरो है, जीरो डिफाइन कर दिया, ये ब्लैक जो है हमारा ब्लैकेस्ट पॉइंट वो जीरो पे है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमको उसको लिफ्ट करना है। ठीक, लिफ्ट करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारा ये एक फुटेज है और ये एक फुटेज है। ठीक, ये दोनों है, एक ये फुटेज एक ये फुटेज, इसमें जो हमारा ब्लैकेस्ट पॉइंट है उसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन होगा वो, और इसमें जो हमारा है इसका डिफरेंस होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था जो
डिफरेंट कैमराज होते हैं, उसका जो डायनेमिक कलर रेंज होता है वो डिफरेंट होता है। तो उस जो ब्लैक इसका रहेगा वो ब्लैक इसका नहीं रहेगा, कभी भी सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ब्लैक्स एंड वाइट्स का, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं लिफ्ट से, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं अगर हम इसको वापस सेलेक्ट करें। हाँ, लिफ्ट से हम बेसिकली इसको बता रहे हैं कि भाई अभी हमारा जो ब्लैक पॉइंट है वो जीरो पे है, बट अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा ब्लैक पॉइंट ये है। समझ में आया क्या हुआ? तो हमने इसका ब्लैक पॉइंट का जो वैल्यू है वो थोड़ा लिफ्ट कर दिया, तो हमारी अब इस फुटेज के लिए जो हमारा ब्लैक पॉइंट है वो ये है, ये पर्टिकुलर ब्लैक पॉइंट है। तो यहां से अब हमारी ब्लैकेस्ट ब्लैक की जो वैल्यू है वो शुरू होती है। तो अब पहले हम मैंने क्या डिफाइन किया था कि एक फुटेज में जो भी ब्लैकेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा ब्लैक पॉइंट होगा, एंड जो भी बिल्कुल ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होगा, व्हाइट पॉइंट होगा। हाँ तो हम सर, क्या कर रहे हैं लिफ्ट से, हम क्या करते हैं, हम लिफ्ट से जो ब्लैक पॉइंट की वैल्यू है जो कि जीरो पे थी, हमने उसको लिफ्ट कर दिया कि नहीं अब जो ब्लैकेस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है। तो अब जो ब्लैकेस्ट पॉइंट है वो ये है, हमने ये इसको वैल्यू दे दी। तो अभी देखो इसमें भी क्या हो रहा है, अभी ऐसे इधर दिखा तो नहीं रहा है कि जीरो भी शिफ्ट हुआ है, बट इसका जो जीरो है वो ऊपर हो गया है बेसिकली। तो अभी पहले जीरो इधर था, जीरो पे ही था, अब अगर हम इसको देखें तो 10 पे या 20 पे चला गया, डिपेंडिंग हम इसका कितना चेंज करते हैं। तो अभी देखो अभी 20 पे इसका वाइट ब्लैक पॉइंट है, लिफ्ट हुआ है। ठीक, तो इसका बेसिकली जीरो ये बन गया है 20, तो 0 to 100। तो लिफ्ट बेसिकली क्या करता है, हमारा डिफाइन करता है जो ब्लैक पॉइंट है उसकी वैल्यू, जो हम लिफ्ट भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक, गेन बिल्कुल वही चीज करता है व्हाइट पॉइंट के लिए। तो अगर अभी हम देख रहे थे कि हमारा जो ये ब्लैक पॉइंट है वो लिफ्ट अगर हम कर रहे हैं तो केवल ब्लैक पॉइंट को ही इफेक्ट कर रहा है, ये भी देखो जो 100 पे व्हाइट पॉइंट है हमारा उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, गेन उल्टा करता है, वो व्हाइट पॉइंट को इफेक्ट करता है। तो वो क्या करेगा, हम इसका जो व्हाइट पॉइंट है वो डिफाइन करेंगे कि भाई हमारा जो व्हाइट है उसकी वैल्यू ये है। तो अभी देखो अगर हम वेव फॉर्म में देखें तो वेव फॉर्म में अगर हम गेन को चेंज करेंगे तो वो केवल व्हाइट पॉइंट जो कि 100 की तरफ रहता है ऊपर की तरफ, केवल उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और गेन और मल्टीप्लाई ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और ये दो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कई कई बार हम लोग को जैसे मान लो हमने गेन किया कहीं पे और हमको फिर उसको कलर वाइज चेंज करना है एक जगह, तो हम वो भी कर सकते हैं इधर मल्टीप्लाई में। तो बेसिकली डबल ट्रबल है ये बेसिकली। ठीक है, एंड ऑफसेट, ऑफसेट क्या करता है, अभी हमने गेन और लिफ्ट देखा, लिफ्ट क्या करता है केवल ब्लैक पॉइंट पे इफेक्ट करता है, गेन केवल व्हाइट पॉइंट पे इफेक्ट करता है। ऑफसेट क्या करता है, वो टोटल इफेक्ट करता है, वो ना व्हाइट देखता है ना ब्लैक देखता है ना कुछ करता है, सीधे सबका सबका वैल्यू एक साथ बढ़ाएगा। देखा सब वैल्यू एक साथ बढ़ रहे हैं, ये देखो अभी देखो अगर हम बाकी जगह पे अगर माइनस प्लस कर रहे थे तो वो केवल व्हाइट पॉइंट या ब्लैक पॉइंट पर काम कर रहा था, अगर हम इधर इधर उधर देखें ये देखो। ठीक, अभी हम ऑफसेट पे अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। ऑफसेट बेसिकली क्या कर रहा है, ब्लैक और व्हाइट पॉइंट और बीच के सारे पॉइंट सब पे सेम इफेक्ट कर रहा है, और गामा, गामा हमारा वही करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली गामा में हमारे ब्लैक पॉइंट पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, देखा जाए तो देखो व्हाइट पॉइंट वहीं पर रह रहा है, ब्लैक पॉइंट हमारा ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम कैसे व्यू कर सकते हैं, ये हम व्यू कर सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो वेव फॉर्म हिस्टोग्राम और एक और अगर हम खोल लें स्कोप्स हैं, वेक्टर स्कोप, ये हमारा वेक्टर स्कोप, ये भी हमें बताता है कि भाई कहाँ पे क्या चीजें हो रही है नहीं हो रहा है। तो अगर हम लिफ्ट करते हैं तो ये देखो हमारा व्हाइट पॉइंट लिफ्ट में हमारा ब्लैक पॉइंट बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, तो अभी देखो इसमें छोटा होता चले जा रहा है, ब्लैक की तरफ नहीं है। एंड हमने पहले भी किया था, अगर लिफ्ट अगर किया तो देखो हम क्या कह रहे हैं, अभी चैनल पे हमने सेलेक्ट किया कि हम केवल रेड पे इफेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब अनचेक कर दिए हैं, उसके बाद हम अगर लिफ्ट बढ़ाते हैं
और ये केवल रेड पे ही काम करेगा, तो जो हमारा वेक्टर है वो देखो किस तरफ जा रहा है, रेड, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की, हम लोग जो कलर चेंज करते हैं कैसे इफेक्ट करता है हमारे इमेज या इमेज सीक्वेंस पे। ये हो गया हमारा ग्रेड नोड। एक और नोड है जो मेजर नोड है, दो मेजर नोड में बताने वाला हूँ तुम लोग को। एक ग्रेड हो गया एंड द अदर वन इज कलर करेक्शन। तो इसको हम व्यू करते हैं। कलर करेक्शन में फिर हमको जो डिवाइड करके मिलता है वो है ये। तो इसमें चार पैनल्स होते हैं, मतलब सब पैनल्स भी हैं सबके। तो चार पैनल्स हैं, मास्टर, शैडो, मिड टोन्स, हाइलाइट्स। तो बेसिकली इसी में हमारा पूरा इमेज सीक्वेंस या वीडियो जो इमेज हम लेते हैं वो डिवाइडेड होता है। मास्टर मतलब ओवरऑल, ठीक। शैडोज मतलब जो भी डार्केस्ट एरियाज हैं वो हमारे शैडोज हो जाएंगे। मिड टोन्स को छोड़ करके हम केवल हाईलाइट पे पहले देखते हैं, तो शैडोज हमारे डार्केस्ट हो जाएंगे, हाईलाइट्स हमारे सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट्स, और मिड टोन्स उसके सारे बीच का पार्ट जो होता है वो मिड टोन्स हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे डिवाइड हो गए चार तरीकों में, चार हमारे पैनल्स में। उसके जो सब पैनल्स हैं वो भी सारे जो ऑप्शंस हैं सबके सिमिलर हैं। तो हमारा मास्टर जो है उसमें चार पांच ऑप्शंस रहते हैं, सैचुरेशन, कंट्रास्ट, गामा, गेन एंड ऑफसेट। गामा, गेन एंड ऑफसेट हमें पता है, कंट्रास्ट हम लोग फोटोशॉप में यूज करते चले आ रहे हैं, और सैचुरेशन भी। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। सैचुरेशन क्या करता है, हमारे जो कलर्स होते हैं या कुछ भी होता है उनको सैचुरेट कर देता है आगे पीछे, डिपेंडिंग हमको क्या करना है। सैचुरेशन लेवल अगर हम कम करेंगे तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ ज्यादा जाएगा, ज्यादा करेंगे तो जो कलर्स हैं उनको वाइब्रेंट करता है, वो उनकी वैल्यूज और टोन अप करता है, ठीक है। तो ये हो गया सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट फिर से अगेन हमारा डिपेंडिंग हम कैसी फुटेज यूज कर रहे हैं उस हिसाब से वैल्यूज कम एंड ज्यादा करता है। कॉन्ट्रास्ट जो हमारा वो है ओवरऑल उसको मेंटेन करता है। गामा हम जो कर रहे थे, ब्लैक पॉइंट को ज्यादा ब्राइट करेगा, लिफ्ट करेगा बेसिकली। एंड गेन क्या करता है, हमारे व्हाइट पॉइंट जो होता है वो अफेक्ट करता है, एंड ऑफसेट ओवरऑल इफेक्ट करता है, ठीक। ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, इनको अलग अलग तरीके से हम लोग को यूज करना होता है। कैसे, तो ये जो हम मास्टर पे यूज करेंगे तो मास्टर पे ओवरऑल इमेज पे फर्क पड़ेगा। शेडोज पे अगर हम यूज करेंगे तो केवल शेडो पार्ट को ही ये वो करेगा, फोकस करेगा एंड उस पे ही काम होगा, ठीक है। अगर मान लो हमको शेडोज पे ही काम करना है, तो शेडोज में मान लो हम गेन पे जाते हैं, गेन करते हैं, तो ये देखो इसने बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं किया है, केवल किस पे इफेक्ट कर रहा है, शैडो पे। तो अगर हम इसको डिसेबल एनेबल करके देखें तो हमें फर्क पता चलेगा, और किसी भी पार्ट में इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मिड टोन्स या हाइलाइट्स पे दिख रहा है, केवल किस पे काम कर रहा है, वो शैडोज पे। तो उसमें भी हमको एक पर्टिकुलर लिमिट में काम करना पड़ेगा, एक वैल्यू हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये आर्टिफैक्ट्स जो दिख रहे हैं तुमको एक्स्ट्रा वैल्यूज करने के लिए वो दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेडोज। एंड ऐसे ही हम अगर सैचुरेशन करेंगे हमारे इसका क्या बोलते हैं मिड टोन्स का, तो वो केवल मिड टोन्स पे फर्क पड़ेगा, हमारे जो हाईलाइट्स हैं एंड ब्लैक पॉइंट्स हैं वो हमारा वैसे ही रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग वैसे ही यूज करेंगे। आई गेस ये कंप्लीट हो गया हमारा कलर का थोड़ा सा थ्योरी। आगे हम कलर का और थोड़ा देखेंगे, क्योंकि और है इसमें करने के लिए, कलर स्पेस एंड ऑल। दिस इज इट, ओके, बाय बाय।